गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा कि आप एक रूबिक्स क्यूब की जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर होते हैं उसे कैसे बनाते हो। जो ये फर्स्ट लेयर होती है और ये सेकंड लेयर होती है, इसे कैसे बनाते हो, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। तो ये रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लेयर बनाने के बाद आपको येलो सेंटर पे एक प्लस बनाना है। प्लस मतलब जैसे आपने यहाँ पर एक प्लस बनाया था, उसी तरह आपको यहाँ पर भी एक प्लस बनाना है। तो जब भी आप क्रॉस बना रहे हो तो आपको इन कॉर्नर पीसेस को भूल जाना है, इनको देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें एज पीसेस को देखना है। तो इसमें हमारे फोर केसेस होंगे। एक होगा डॉट जिसमें सिर्फ सेंटर पीस सॉल्व होगा, एक में तो एल होगा, ऐसा एल, ये एल होगा, एल होगा, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें दो एच पी सी अपोजिट फिक्स होंगे। आपको ये वाले कॉर्नर पीस नहीं देखने हैं। और एक होगा क्रॉस, ये एक एक्सट्रीमली लकी केस है जिसमें आपके सारे जो एजेस हैं वो सॉल्व होंगे क्रॉस में। तो डॉट को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी साइड से पकड़ना है और आपको ये वाला एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। जो अभी आप ये वाला एल्गोरिदम सीखने के लिए आपको जो मैं अभी मूव बताऊंगा वो सीखना पड़ेगा, तो वो देख लीजिए। तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको ये वाला मूव ज़रूर आना चाहिए जिसमें आपको जो राइट वाली लेयर है इसको अप करना है और ये वाली लेयर इसको लेफ्ट में करना है ऐसे, और फिर इस वाली लेयर को अंडू, और फिर इस वाली लेयर को अंडू। आप इस वाले मूव को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये वाली अप, राइट, लेफ्ट में, अंडू अंडू, अप लेफ्ट अंडू अंडू, अप लेफ्ट अंडू अंडू, अप लेफ्ट अंडू अंडू। तो आपको ये को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी साइड से पकड़ना है और आपको ये वाला एल्गोरिदम परफॉर्म करना है जो अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एफ एफ मतलब फ्रंट वाली लेयर, आपको इसे नीचे की तरफ पुश करना है और फिर आपको करना है आर, आर मतलब राइट वाली लेयर, इसको अप मूव करना है। फिर यू, ये वाली लेयर, इसको इस साइड मूव करना है लेफ्ट की तरफ, और फिर इसको अंडू, फिर इसको अंडू, फिर इसको अंडू। तो जैसे ही आप इस एल्गोरिदम को करोगे आपका एक एल बन जाएगा। और एल बनने के बाद आपको ये वाला जो एल है इसको आपको यहाँ पर रखना है, अपने बैक और लेफ्ट में रखना है। जैसे ये मेरे बैक में है और ये लेफ्ट में है, तो आपको इस पोजीशन में रखना है। और फिर से वो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये वाला एल्गोरिदम करने के बाद आपको एल मिल जाएगा। और एल मिलने के बाद आपको या तो इस साइड से होल्ड करना है या इस साइड से होल्ड करना है, और आपको फिर से वही एल्गोरिदम परफॉर्म करना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो जैसे ही आप एल में ये वाला एल्गोरिदम लगाओगे तो आपका ये क्रॉस बन जाएगा। अगर आपको एक एल मिलेगा तो आपको ऐसे इसे ऐसे होल्ड करना है, यहाँ ये बैक में और ये लेफ्ट में, और आपको ये वाला एल्गोरिदम परफॉर्म करना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो फिर आपका एल बन जाएगा। और ये वाला मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और इसमें आप ऐसे होल्ड करोगे या तो या ऐसे करोगे, और फिर वही एल्गोरिदम करना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, फिर आपका क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस बनने के बाद आपको जो ये वाले एजेस हैं इनको सेंटर पीसेस से मैच करना है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो ये वाला मैच हो रहा है और ये वाला मैच हो रहा है, और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो आपके कोई भी केस हो, आपके दो एज पीसेस तो पक्का सॉल्व होंगे। तो जब आपके ऐसे दो अपोजिट में हो तो आपको ये एक फ्रंट में रखना है और एक बैक में, आपको ये वाला एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। बस आपको ये वाला पेयर देखना है, मैं ये कैसे मूव होता है। पहले आप इस वाली लेयर को अप मूव करोगे, फिर इस वाली लेयर को इस साइड मूव करोगे लेफ्ट, फिर इस वाली लेयर को अंडू,
फिर इस वाली लेयर को एक और बार लेफ्ट में करोगे, फिर इस वाली लेयर को अप, और फिर इसे दो 180 डिग्री टर्न करके वापस यहाँ पर लगा दोगे, तो आपको ये दो वाला HP सॉल्व वाला केस मिल जाएगा जिसमें आपके दो HP से सॉल्व होते हैं। इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे क्यूब को होल्ड करना पड़ेगा ताकि एक सॉल्व पीस आपका बैक में हो और एक सॉल्व राइट में हो, और फिर से वही एल्गोरिदम करना है परफॉर्म। आप मेरे हैंड पोजीशन को देखना, ये वाला इसको अप, इस वाले पेयर को देखते जाना, फिर इस वाली लेयर को लेफ्ट में, फिर ये वाली को अंडू, फिर इसे यहाँ पर लेफ्ट में फिर से, और फिर इसे अप, और इसे 180 डिग्री टर्न करके फिर से इंस्टॉल। और जैसे ही आप इसे करके एक यू मूव करोगे तो आपका सारा ये सॉल्व हो जाएगा, ये सारे HP से सॉल्व हो जाएंगे। तो HP से सॉल्व करने के बाद आपको कॉर्नर पीस से सॉल्व करने हैं, फिर आपको देखना है कि कौन सा कॉर्नर पीस राइटली प्लेस्ड है। जैसे ये यहाँ पर येल्लो ब्लू और रेड वाला कॉर्नर पीस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर येल्लो ब्लू और ऑरेंज है क्योंकि ये गलत है, और ये यहाँ पर होना चाहिए येल्लो रेड और ग्रीन, लेकिन यहाँ पर येल्लो ब्लू और रेड है तो ये भी गलत है, और यहाँ पर येल्लो ऑरेंज और ब्लू होना चाहिए लेकिन यहाँ पर भी गलत है जाए। तो जब भी आपका गलत है जो हो, कोई भी कॉर्नर पीस राइटली प्लेस नहीं हो, तो आपको ये वाला एल्गोरिथम करना है, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो इसको करने के बाद आपको फिर से देखना है कि आपका कोई सॉल्व है या नहीं, ये वाला सॉल्व नहीं है, ये वाला प्लेस नहीं है राइटली, ये वाला भी राइटली प्लेस नहीं है, ये वाला भी राइटली प्लेस नहीं है। तो जैसे ही आप फिर से, आपको अगर कोई भी राइटली प्लेस नहीं है तो आपको फिर से ये करना है, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो जैसे ही आप इसको फिर से करोगे तो आपका एक एक जो कॉर्नर पीस है वो राइटली प्लेस हो जाएगा। जैसे इस केस में ये वाला मेरा राइटली प्लेस्ड है, ये ट्विस्टेड तो नहीं है लेकिन राइटली प्लेस्ड हो चुका है। तो जब भी आपको एक कॉर्नर राइटली प्लेस मिल जाए तो आपको इस कॉर्नर पीस को अपने इस साइड पर रखना है, ऐसे क्यूब को होल्ड करना है कि ये वाला कॉर्नर पीस आपके इस साइड हो, और फिर आपको वो ये एल्गोरिदम फिर से करना है यू, और जैसे ही आप इसे एक बार करोगे कॉर्नर पीस को इस साइड रख के, तो आपके सारे जो कॉर्नर पीसेस हैं वो राइटली प्लेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर येलो रेड और ग्रीन होना चाहिए तो ये यही है, यहाँ पर ब्लू और रेड और येलो वाला कॉर्नर पीस है, यहाँ पर भी राइटली प्लेस है और यहाँ पर भी राइटली प्लेस है। तो अब अगर आपने यहाँ तक क्यूब सॉल्व कर लिया है तो समझ लीजिए आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्यूब को अपसाइड डाउन कर देना है, और एक एल्गोरिदम इसे दो बार करना है, दो बार करना है तब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। जैसे और एल्गोरिदम ऊपर आ जाएगा स्क्रीन पे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, वही वाला एल्गोरिदम है। तो मैंने एक बार किया आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो सॉल्व नहीं हुआ। एक और बार करूँगा आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो मैंने दूसरी बार करा तो ये सॉल्व हो गया। तो ये तो सॉल्व हो गया, अब हमें इस वाले कॉर्नर पीस है इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम इस वाली प्लेस पे लाएंगे, और क्यूब को बिल्कुल भी मूव करना है नहीं है, वरना आपका ये वाला क्यूब पूरा ख़राब हो जाएगा, आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से आप वही मूव करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर, दो बार किया मैंने नहीं हुआ सॉल्व, मैंने ये आर यू आर प्राइम दो बार किया लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। तो हम फिर से करेंगे दो बार आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो दो एक बार करने के बाद ये सॉल्व हो चुका है। फिर हमें तीसरे वाले सेकेंड कॉर्नर पीस को यहाँ पर लाएंगे, फिर से वही एल्गोरिथम करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो मैंने फिर से वही किया, दो बार में ही हो गया इस बार तो। और फिर चौथे वाले को लाएंगे
आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो जैसे ही आपका ये वाला सॉल्व होगा, आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपके दो कॉर्नर पीसेस सॉल्व होंगे और दो नहीं होंगे। तो इस केस में आपको ऐसे ही अपसाइड डाउन होल्ड करना है क्यूब को, और जो अनसॉल्व है उसमें आर प्राइम यू प्राइम करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। दो बार में नहीं हुआ, एक और बार करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। वाले कॉर्नर पीस को यहाँ पर लाएंगे, फिर से वही करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब देख सकते हो हमारा क्यूब सॉल्व केस भी मिल सकता है जिसका आपको, जिसमें आपके दो अपोजिट कॉर्नर पीसेस सॉल्व होंगे लेकिन ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें भी आपको वही सेम करना है, आपको ऐसे अपसाइड डाउन करना है और फिर वही एल्गोरिथम, यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये वाला सॉल्व हो गया। फिर दूसरे वाले को लाएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। फिर ये सॉल्व हो जाए। तो एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पर आपके तीन जो कॉर्नर्स होंगे वो अनसॉल्व होंगे। तो इसमें भी आपको सेम अपसाइड डाउन होल्ड करना है और कॉर्नर्स को वही वाला एल्गोरिथम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम दो बार, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने दो बार लगाया तो ये सॉल्व हो गया। फिर मैं दूसरे कॉर्नर को यहाँ पर लाऊंगा और फिर इसमें वही एल्गोरिथम लगाऊंगा, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये भी हमारा हो गया। फिर से दूसरे एच कॉर्नर को लाएंगे और फिर से वही एल्गोरिथम दो बार करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने अपना पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने रूबिक्स क्यूब ये सॉल्व कर लिया है मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा नीचे, और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं लाइक एम रख रहा हूँ 9 लाइक्स आपको इस वीडियो पे करवाने हैं। इस वीडियो पे 9 लाइक्स करवा दिए तो मैं आपको और ट्रिक्स बताऊँगा कि आप इस क्यूब को फास्टर कैसे सॉल्व कर सकते हो, और फास्ट कैसे सॉल्व सकते हो, 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स में भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसी लगी वीडियो, और शेयर भी कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के ग्रे कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा आया तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाला पिरामिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये वाला मेगा मिक्स भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये वाला मिरर क्यूब कैसे सॉल्व सकते हो, और भी काफ़ी सारे पजल्स होते हैं जिन्हें मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो टिल देन बाय बाय।